प्रदेश की भाजपा सरकार में विकास कार्य तेज गति के साथ करवाए जा रहे हैं और इस कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 7 में 3,02,52,000 के 16 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम विकसित हरियाणा की ओर बढ़ रहे हैं और प्रदेश में विकास कार्यों की गति नहीं रुकेगी। देखिए, अभी मैं यहाँ माणकपुर गांव में अभी शिलान्यास के लिए आया हूँ और यहाँ पे 22 लाख से ज़्यादा का कार्यक्रम का जो काम है वो गली बनाने के प्रकार के काम हैं और अभी ये मंदिर भी रविदास मंदिर बन के तैयार है, इसमें भी हमने 11 लाख रुपए पहले 5 लाख पहले दिए, 6 लाख दिए, वो भी सारे पैसे आ गए और बहुत ही सुंदर है और गौड़ों ने अपने उससे ना सहयोग से बहुत अच्छा मंदिर बन के तैयार है और कुल मिला के आज पूरे शहर में हमने 16 जो काम है ऐसे 16 कामों का हमने आज शुभारंभ किया। जल्दी ये सारे के सारे काम कंप्लीट होंगे और 3,02,00,000 की राशि इस पर खर्च होगी। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी कुछ ऐसे काम हैं जो गलियाँ बनेंगी, कुछ ऐसे हैं जहाँ नालियों में पाइप दबेंगे, कुछ इस प्रकार के काम हैं सारे के सारे। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी राहत मिलेगी, लोगों को बहुत फायदा होगा और जो पाइप दब रहे उससे गलियाँ चौड़ी होंगी, उससे काफ़ी लाभ होगा और जो नई गलियाँ हैं क्योंकि अभी सरकार ने बड़ी संख्या में जो है कॉलोनियाँ अप्रूव की, जो पहले अनअप्रूव थी उसकी वजह से बहुत से काम रुके थे, तो उनके अप्रूव होने से अब काफ़ी गति हुई काम में और मैं समझता हूँ जल्दी इस समस्या का जो अभी जो अनअप्रूव था जहाँ जिस प्रकार से रुके थे तो धीरे धीरे वो सारा का सारा काम हम कम्प्लीट कर लेंगे। कि आज बड़ी खुशी की है, आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में सब महिलाएं गांव में से निकल के सब आई, तो इसी खुशी से आई कि भाई ये सारे काम होने लग रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में। और अब तो हम लास्ट में आए तो अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने करे बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया और लोग बेहद खुश हैं सरकार के काम। बिल्कुल निश्चित तौर से जो टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बना, तो उसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कर दी, जैसे शौच खुले में नहीं जाना, अब ये आम बीमारी थी एक और हमें कल्पना भी नहीं थी कि ये बंद भी हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से आज सारा बंद है। फिर इसी प्रकार से खाना बनाने के लिए भी गैस सबके पास होनी चाहिए, तो उसका सारा का सारा आइडिया नहीं था इतना हो जाएगा, लेकिन 11 करोड़ से भी ज़्यादा कनेक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, आज सबके पास गैस है। ऐसे ही अगला टारगेट रखा कि कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसके पास अपना मकान ना हो, तो 4 करोड़ मकान का जो टारगेट है, 3 करोड़ बढ़ गए, 1 करोड़ और का टारगेट रखा, तो उसमें ये है कि कोई भी आदमी बिना मकान के नहीं होना चाहिए। दूसरा हेल्थ है, गरीब आदमी के पास कोई साधन नहीं था, अगर मान लो बीमार हो जाए बेचारे को कैंसर जैसी ऐसी भयंकर बीमारी था तो उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था, अब सरकार ने 5 लाख का उसमें बीमा कर दिया।